दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विरुद्ध जाति विशेष के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सीजीएम कोर्ट के प्रभारी बिमलेंदु कुमार ने मुकदमा को मंजूर करते हुए न्यायिक पदाधिकारी अविनाश कुमार की कोर्ट में भेज दिया है, जहां 10 जनवरी को गवाही की प्रक्रिया चलेगी। आपको बताते चले कि बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश पांडे ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। वे लहेरी थाना क्षेत्र के मथुरिया मोहल्ला के निवासी हैं। सूचक के अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे ने बताया कि 19 दिसंबर 2021 को परिवार के साथ वे अपने घर पर टेलीविजन देख रहे थे। इसी दौरान समाचार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दिया गया भाषण प्रसारित हो रहा था, जिसमें जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हुए बयान दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से सदमे में आकर वे अस्वस्थ हो गए हैं। उन्हें यह आशंका है कि इस बयान से धार्मिक हिंदू समाज के प्रति और जाति विशेष के प्रति लोगों में तनाव पैदा हो सकती है। प्रतिष्ठित पद पर रह चुके जनप्रतिनिधि का बयान समाज में विभेद पैदा करने वाला है, जिससे कहीं न कहीं समाज में अराजकता का माहौल कायम हो सकता है। मुकदमे में विजय पांडे, अमित माधव महाराज एवं आनंद पांडे गवाह बने हैं। इसी तरह बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना को स्वतः संज्ञान लेकर इन्हें दंडित करने की बात कही है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सब...